क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर वो किरदार प्ले करना था। आज तक मैंने लंगड़े का रोल कभी किया नहीं था, तो क्लचेस लेके कुप्टी लेके शूटिंग से पहले एक हफ्ता दो हफ्ता मैं चलने की कोशिश कर रहा था एक यूज्ड होने के लिए कि ऐसा ना लगे कि ये बंदा कैसे चल रहा है, ये तो बहुत ही आर्टिफिशियल लग रहा है। I have lived in Bombay like I told you all my life and I've that was my preparation I guess living in Bombay. It was very difficult to preempt what the art director would do, you know, with the film. There were a lot of elements because I mean primarily you're shooting on the streets of Mumbai, so there are many elements that the art director will add which we couldn't preempt at the script level. So I was there in Karjat for the entire schedule. जितने बड़े elaborate सेट करने में मुझे दिक्कत नहीं आई उतनी इस फिल्म में आई, क्योंकि हर स्ट्रीट का जो एक ओवरऑल लुक था या जो स्ट्रक्चर्स हमने सिलेक्ट किए थे, जो डिफरेंट एरियाज थे, जो टिपिकल राउंड शेप में जो पारसी कैफेटेरिया होता है, देन स्ट्रीट के सिग्नल्स होते हैं, उसके ऊपर की एजिंग है जो वायर अक्रॉस एक दूसरे बिल्डिंग के साथ होती है और उसमें पतंग कट के जब लग जाती है या उस पर कुछ अटका हुआ होता है, तो ये चीज़ों से मुझे लगता है कि वो टाउन स्क्वायर एकदम ऑथेंटिक बन गया। ये बात बहुत ही सही है कि हमने जितने भी गाने बनाए हैं इस फिल्म में वो सारे डीग्लैमराइज्ड हैं। उनमें जिस प्रकार के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज़ किए हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सिग्नल इस वर्ड से ही हमको If you close your eyes, you can hear like, you know, horns, you can hear people honking, cycle bells, people talking, bus sound, traffic sound. तो इसको हम वर्कआउट करके हम इसके बीच में एक हमने इसका जो थीम भी बनाया है कि ये सब ट्रैफिक सिग्नल इज़ लाइक लॉट ऑफ नॉइज़, उसके बीच में एक ऐसी क्या चीज़ हम करें जिससे कि ये स्टैंड आउट हो हमारा म्यूज़िक में कोई पार्ट। That's where we हम लोगों ने वो जो किया हुआ है या something shouting out of all this now. It was a great time over there because just go for a short comeback. So and everybody like Upendra Limaye is a very good, he's a fantastic actor. So I believe when you are acting with a very good actor, your performance is also enhanced. See, we were shooting in Karjat in the month of May, and it was really hot. It was like 8:30 in the morning. It was like 42 degrees, and I mean we would sometimes say that let's break an egg on the footpath and see if it turns into a half fry or an omelette. It was that hot, and Madhu is an exceedingly good mimic. I mean that could have been an alternative career for him actually. जब भी हम लोग सेट पे जाते थे तो अलग-अलग legendary actors के sound में आपका welcome करता था। जितना better director है उतना बड़ा actor भी है वो, तो उस तरीके से जब भी कोई भी सेट पे आए, कभी कोई लेट आ जाए, तो उसको इस तरह से सबको सामने अलग ढंग से। अरे राज मुखर्जी जी हमारे सेट पे आ चुके हैं, तालिया 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 तालिया। My first scene which we trying to shoot, every time we tried to shoot it, it rained. And we tried to shoot it, I think, over a period of 2 to 3 months. And finally, Madhur said, "You're jinxed." McDonald's जाके कितना दिन हो गया मेरा, बात चलो McDonald's में बर्गर नहीं खाया। एक बर्गर नहीं मिला, एक और भी नहीं मिला, 6 महीने और भी नहीं। मुझे लगा था कि बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर होगा, सीरियस एटमॉस्फेयर होगा काम करने का, लेकिन आई वॉज सरप्राइज। हमने देखा कि ही क्रैक्स जोक्स, मस्ती करते रहते हैं सेट पे। सो इट ग्रेट, वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस टू सी दैट काइंड ऑफ अ सिनेमा, द वे ही मेक्स हिज फिल्म्स। सो इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर वर्किंग विद हिम। आई थिंक इट्स वेरी नाइस थिंग कि यू नो डायरेक्टर अंडरस्टैंड्स कि हाँ इवन द एक्टर हैज कैन थिंक अबाउट द कैरेक्टर। वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स टू वर्क विद, इज वेरी ट्रूथफुल टू हिज ओन सेल्फ, very focused on his objectives, very down to the earth. तो एक काम करने में बहुत मजा आता है। He is an actor's director and it's like an actor's dream come true working with him. Madhur is a very authentic and very touchy director. मुझे लगता है कि इस फिल्म का main जो hero है वो मधुर है and then signal है। I really enjoyed working with मधुर क्योंकि मधुर एक talent को समझता है एक टेक्नीशियन को पूरा स्कोप देता है अपने तरह से काम करने का. इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन ईजिली गो टू मधुर एंड टेल हिम, मधुर भाई थोड़ा ये ऐसा करेंगे, अरे हाँ चल अच्छा है, लेट्स डू दैट वे. मधुर भंडारकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट फिल्म मेकर हैं, रियलिस्टिक सिनेमा बनाते हैं, बहुत ही उसका क्लियर विजन होता है, उन्हें एग्जैक्टली पता होता है उन्हें क्या चाहिए और मोर इम्पोर्टेंटली क्या नहीं चाहिए. दो तरह के मेकर होते हैं, एक मेकर दिमाग से फिल्म बनाता है, एक मेकर वो बनाता है जो वो जीता है. मधुर की एक आदत है कि वो पहले कहानी सोचते हैं, फिर उसको जीते हैं, फिर उसको बनाते हैं, इसलिए वो इतनी रियलिस्टिक लगती है, इसलिए इतनी इफेक्टिव होती है. He leaves it totally to the person कि now you do it and show because then I can react कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है and कहीं ना कहीं हम समझ गए कि which direction we are heading in. A lot of directors are often very stressed or very tense and they pass this on to the actors. You know, they communicate this to the actors even if they don't mean to. So Madhur doesn't do that. I don't even know what he's stressed or what production hassles he's having. So in that sense, it's very easy to work with him. I like working with him. कोई भी पिक्चर, मेरी पहली पिक्चर में अगर आप देख लो चांदनी बार, सक्ता, पेस्ट्री या कॉर्पोरेट, मैंने हमेशा कोशिश की मैं अलग अलग विषय में फिल्म बनाऊँ और समाज का एक आईना दिखाती मेरी पिक्चर. मेरी पिक्चर जजमेंटल नहीं होती है, मैं बहुत रियलिस्टिक फिल्म बनाता हूँ, मेरी पिक्चर में कैरेक्टर्स भी रियल होते हैं. तो मुझे एक चैलेंजिंग लगता है कि ऐसे लोग को लेके उनसे काम कराना. मेरी पिक्चर जो होती है उसके अंदर प्रोटैगनिस्ट के साथ क्या बीतती है वो होता है हमेशा. जैसे कोंकोना की क्या हालत हुई थी पेस्ट्री में, या विपाशा किस तरह से शीज इन द बड़े गेम में किस तरह उसको यूज़ किया जाता है. यहाँ पे कुणाल खेमू है, उसके साथ क्या होता है. पहली बार मेरे ख्याल से मेरे लिए भी चेंज हो रहा है कि इतनी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के बाद ये मेल ओरिएंटेड फिल्म बना. आई थिंक पीपल विल डिस्कस इट अमंग्स देमसेल्फ एंड दे स्टॉप एट अ सिग्नल, यू नो, कि अरे यार देखिए वो था ना, ऐसा होता है इनकी लाइफ में. पीपल विल गिव सम मोर टाइम, थोड़ा और वक्त रिलेट ज़रूर करेंगे कि हाँ हमने फिल्म में ऐसा देखा था, क्या ये भी वैसा ही होगा या अलग होगा. आफ्टर सीइंग द फिल्म व्हेन दे कम आउट ऑफ द थिएटर एंड द फर्स्ट सिग्नल दैट दे स्टॉप बाय, देयर परसेप्शन ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल इज गोइंग टू टोटली चेंज.